आज मैं आपको नंबर 22 से वर्ड ड्रॉ करना सिखाऊंगी। बिग साइज में 2 ड्रॉ करेंगे, इसके पास ही एक और 2 ड्रॉ करेंगे, थोड़े से गैप के बाद फिर हम 2 ड्रॉ करेंगे, इसके गैप में थोड़ा सा गैप लेंगे, फिर 2 ड्रॉ करेंगे, 22 22 2, एक पेयर हमारे बर्ड का हम तैयार करेंगे। इसको यहाँ से हम सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, यहाँ तक लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हम सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को इस यहाँ तक इसको ज्वाइन करेंगे और इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, ऐसे ही हम इसको हम यहाँ तक ज्वाइन करेंगे और यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ से हम ट्रायंगल शेप में इसकी बिग तैयार करेंगे, यहाँ से हम ट्रायंगल शेप में इसकी बिग तैयार करेंगे। अब नीचे यहाँ से स्टैंडिंग लाइन डब्लू डब्लू बना के ऊपर ले जाएंगे इसी लाइन के, और अंदर लाइनें डाल देंगे हम ऐसे। ऐसे नीचे ले जाएंगे डब्लू डब्लू बना के, वापस ऊपर जाएंगे, इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे, इस लाइन को हम इस लाइन से ज्वाइन कर देंगे, बीच में लाइनें डाल देंगे इसके, इसी ऊपर वाली लाइन के नीचे हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे इस तरह से, धीरे 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 इस लाइन को हम कंप्लीट कर देते हैं इस तरह से। बर्ड की आईज ड्रॉ करेंगे, और फैदर विंग्स के फैदर हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, विंग्स ये हमारी बर्ड्स तैयार हो गई। अब हम इसमें कलरिंग करेंगे, अब हम इसमें कलर करेंगे। ग्रीन कलर लिया है मैंने, एक ही डायरेक्शन में हम इसको पूरा फिल करेंगे ग्रीन कलर से, एक विंग को हम पूरे ग्रीन कलर से फिल करेंगे इस तरह से, इस तरह से हम पूरा ग्रीन कलर इसमें फिल कर दिया। अब हम येलो कलर लेंगे, बर्ड के फेस में हम येलो कलर फिल करेंगे इस तरह से, सेकंड विंग्स में हम ऑरेंज कलर करेंगे इस तरह से, हमने ऑरेंज कलर पूरा फिल कर लिया, उसके बीक में भी हमें ऑरेंज कलर ही फिल करना है, ऑरेंज कलर फिल कर दिया हमने। अब हम ब्राउन कलर लेंगे और इसमें पूरा फिल कर देंगे ब्राउन कलर से, और ग्रीन कलर से हम इसके फैदर में भी कर देंगे। इस तरह से हमारी बर्ड तैयार हो गई है। सेकंड बर्ड पे आप अपनी चॉइस से कलर कीजिएगा, देखिए कितनी सुंदर लग रही है बर्ड। सेकंड बर्ड में आप अपनी चॉइस से कलर कीजिएगा। थैंक यू।